हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद में खाने की सभी चीजों में ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे को सबसे ज्यादा स्पेशल और हेल्दी माना जाता है। जी हाँ, तो आज मैं चार ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात करूंगी जिसका डेली सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही चमकदार और रिंकल फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सुपरफूड अखरोट के बारे में। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है जो अखरोट को इतना यूनिक बनाता है? वॉलनट यानी अखरोट एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक छिले हुए अखरोट में 4% पानी, 7% फाइबर और 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और सबसे ज्यादा लगभग 65% फैट होता है। इसके साथ साथ अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अखरोट सुपर फूड की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि सूखे अखरोट में टैनिन और फाइटिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है जो पेट में जाकर वहाँ मौजूद मिनरल्स के साथ बाइंडिंग करके फाइटेट बनाता है जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। और अगर हम अखरोट को खाने से पहले पानी भिगोकर खाते हैं तो इसमें मौजूद एसिड पानी में मौजूद मिनरल्स से बाइंडिंग करके काफी हद तक अखरोट से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अखरोट की गर्म तासीर काफी हद तक कम हो जाती है। तो अखरोट को 6 से 7 घंटे पानी में भिगोकर रख दें, फिर इसका सेवन करें। दोस्तों, भीगे हुए अखरोट के ऊपर पतली सी छिलके की परत होती है। इस छिलके में 90% से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो त्वचा से गंदगी दूर कर आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, इसलिए भीगे हुए अखरोट का सेवन छिलके समेत करना चाहिए, तभी ये फायदेमंद होगा। हमारा सेकेंड सुपर फूड है चिया सीड्स। दोस्तों, चिया सीड्स का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को सेहतमंद रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए अगर आप डेली चिया सीड्स का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी और इसमें कैलोरीज भी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, खासकर जो लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, ये वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा चिया सीड्स ग्लूटेन फ्री होता है। जी हाँ, जिन लोगों को ग्लूटेन से कोई एलर्जी हो तो वे भी इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चिया सीड्स खाने का सबसे सही तरीका है इसे भिगोकर खाना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए आप 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 ग्लास पानी में रात भर भिगोकर रखें और फिर सुबह जब ये जेली फॉर्म में आ जाए यानी अच्छी तरह से फूल जाए तो इसका सेवन करें। और दोस्तों, अगर आप चिया सीड्स का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए आप 1 टेबल स्पून सोक्ड यानी भीगे हुए चिया सीड्स लें और इसे 1 ग्लास कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी में मिलाकर पिएं, या फिर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून चिया सीड्स को 1 ग्लास गुनगुने पानी में डाल दें और फिर उसमें आधा लेमन स्क्वीज करें। ये ड्रिंक आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पर दोस्तों, अगर आप चिया सीड्स को मॉर्निंग ड्रिंक में मिलाकर नहीं लेना चाहते तो आप चाहें तो इसे दही में, स्मूथी में या फिर मिक्स्ड फ्रूट सलाद में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जूस में, सूप में डालकर भी ले सकते हैं। और दोस्तों, खाना खाने के बाद कई लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तब आप अनहेल्दी डेजर्ट्स खाने के बजाय इसके लड्डू भी खा सकते हैं, ये आपके लिए और भी हेल्दी होगा। और जिन्हें चिया सीड्स इस तरह से खाना पसंद न हो वे इसकी जैम बनाकर भी खा सकते हैं। इसे खाने का एक और अच्छा तरीका है, चिया सीड्स के पाउडर को गेहूं के आटे में डालकर इसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सुपर फूड के बारे में जो है बादाम। बादाम को नट्स का बादशाह भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे आप लंबे समय तक यानी लगभग 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बादाम के छिलकों में टैनिन नाम का एंजाइम होता है जो इसमें मौजूद पोषक तत्वों को शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में रुकावट डालता है और इसके साथ साथ बादाम खाने में भी बहुत ही सख्त होता है जिसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र को और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बादाम खाने का सबसे सही तरीका है कि इसे आप रात भर पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह इसका छिलका उतारकर खाली पेट सेवन करें तो इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दरअसल सूखे बादाम की तासीर गर्म होती है और अगर आप बादाम बिना भिगोए और बिना छिले हुए खाते हैं तो इससे खून में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए भीगे बादाम का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है।
है और विटामिन ई त्वचा को सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप डेली भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके साथ साथ इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो बादाम खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूध में 4 से 5 भिगोकर छिले हुए बादाम और 1 से 2 खजूर डालकर शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और अब हमारा सबसे लास्ट यानी 4th सुपर फूड है अंजीर। दोस्तों, अंजीर को फिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन वैसे तो ताजे फल और ड्राई फ्रूट दोनों ही रूप में किया जाता है, पर मैं आपको इस वीडियो में सूखे अंजीर ड्राई फ्रूट के बारे में जानकारी दूंगी। आयुर्वेद के अनुसार अंजीर खाने का सबसे सही तरीका है सूखे अंजीर को रात भर थोड़े से पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। रोजाना भीगे अंजीर का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अंजीर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन भी अच्छा होता है। अंजीर में फाइबर और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें कई बीमारियां होने से बचाते हैं। इसके अलावा आप 2 सूखे अंजीर को दूध के साथ उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें छुआरा भी ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने बहुत ही मदद करता है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से हमारी स्किन से झुर्रियां यानी रिंकल्स कम करने में मदद मिलती है। अंजीर खाने से हमारी स्किन से दाग धब्बे दूर होते हैं और ये त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। अंजीर खाने का एक और अच्छा तरीका है, आप अंजीर की मिठाई या फिर अंजीर से बना केक खा सकते हैं। जी हाँ, अनहेल्दी डिजर्ट्स खाने के बजाय हेल्दी अंजीर से बनी बर्फी या अंजीर से बना केक खाएं। ये खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ में बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।